कालकाजी में बहुत गलत काम हो रहा है, लेकिन एमसीडीओ प्रशासन चुप क्यों है? कालकाजी गोल चक्कर के पास केक प्लाजा के साथ गौरव वाटर सप्लाई के नाम से दुकान है, जो पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस का होलसेल डीलर पिछले कुछ समय से रोड पर कब्जा करना शुरू हो गया है, जिस लोग काफी ज्यादा परेशान। आप देख सकते हैं कि पानी की बोतलें किस तरह से रोड पर रखी हैं और पूरी जगह घेर रखी है, जिसमें जाम भी लग रहा है। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, एक तरफ पानी की इतनी सारी बोतलें और दूसरी तरफ जनता जाम से जूझती। लोगों के कहने पर भी यह गौरव नाम का व्यक्ति नहीं मान रहा है, प्रशासन चुप क्यों? जहां एक तरफ रेडी पटरी वाले कोई रेडी लगाए तो एमसीडी आ जाती है रोड घेरना, जनता को परेशान करना। अब एमसीडी को क्यों नहीं दिख रहा? अगले साल निगम के चुनाव हैं, कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी जीतेगी जो जनता को जाम से मुक्त नहीं करवा पा रही? जल्द से जल्द यह दुकान बंद होनी चाहिए, यह कब्जा करना बंद होगा तभी जनता को राहत मिले। समाचार 24 प्लस के सूत्रों से खबर आई है, जल्दी ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, दुकान अंदर है गौरव वाटर सप्लाई की, लेकिन सामान बाहर फुटपाथ पर लगा, जिसमें पुलिस प्रशासन चुप रहता है। फुटपाथ घिरा हुआ है और दूसरा जहां इनका गोदाम है वहां पूरा रोड जाम किया हुआ। क्यों पुलिस प्रशासन चुप? क्यों एमसीडी चुप? फुटपाथ किससे घिरा हुआ?